वो ना मर्दों में है और ना जनानों में है, वो तो ना वो ना तीन में ना तेरह में। लावल के बारे में क्या कहें, वो कुछ सुर्खी पाउडर लेके आए, वो जो उसका काम है जो जिटा ताटा पिंडा भारी काम करना चाहिए था। भारी काम की बैगना लुटी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, सियासत के अंदर गैमा गैमी बहुत चल रही है, जलसे भी हो रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत बयान आया है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करने से पहले अपोजिशन को इस्तीफे देने पड़ेंगे, और जल्द उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया है कि जल्दी से इलेक्शन करवा दिया जाए। अपोजिशन के साथ वो पहले मिले हुए थे, और आज वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि इस्तीफे पहले देने पड़ेंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगा और मैं अकेला ही जद्दोजहद करूंगा। बस लायक है क्या समथिंग, इस तरह से उनके बयान आते रहते हैं बिलावल साहब के। आइए लोगों से बात करते हैं कि बिलावल साहब जो जल्द इलेक्शन चाहते हैं, क्या ऐसा हो जाए और अपोजिशन को इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बुरहानुद्दीन सर। हालात खराब हुआ होगा पदेशी से पहले, इसलिए बुरहान नाम रख दिया। क्या मसला है, पहले इकट्ठे थे आप, अलग हो गए? नहीं, ये खुद 3 साल हो गए ये बात करते थे इस्तीफा दे दो, वो कभी भी खान साहब इस्तीफा नहीं लेगा। हाँ बिल्कुल, और नए इलेक्शन होगा क्योंकि खान साहब बहुत अच्छे आदमी है। वो पीपल्स पार्टी के जेलों से खौफ ज़दा है। ये 15 पार्टी है, 12 पार्टी है, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, न मौलाना नीक न और बिलावल भुट्टो, जो भी है कुछ भी नहीं कर सकते। मस्त जोक मारा। क्या कहती है कि जल्द इलेक्शन होना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम गरीबों को रोटी देंगे, मकान देंगे, पैसा देंगे, कुछ भी नहीं देते, आते हैं फार्म फिल करवाते हैं और चले जाते हैं। गिरबान खोल के फिरते हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बलोच है। बलोच है, क्या बात है, तो ऊँट कितने? ऊँट नहीं है, ऊँट वाले बलोच नहीं हम। ये लो जी भैया, ये पहले बलोच हैं जो ऊँटों के बगैर हैं। ये कौन से बलोच हैं भैया? बलोचिस्तान। ये शाजिया बलोच जो है अपना ड्रामे वाली? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, नहीं है भैया। इलेक्शन के बारे में तो उन्होंने सही सोचा है कि होना चाहिए, क्योंकि क्यों मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि इलेक्शन लाजमी होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल सही है, इलेक्शन लाजमी होना चाहिए, इलेक्शन लाजमी होना चाहिए। बिलावल की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है, मैं उनके साथ हूँ। बिलावल के साथ हैं आप? जी बिल्कुल, मरते दम तक बिलावल भुट्टो के साथ हैं। क्या कहते हैं आप बिलावल भुट्टो के बयान पे? सर, बिलावल भुट्टो के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो ना मर्दों में है और ना जनानों में है, वो तो ना तीन में ना तेरह में। क्या कहती हैं बिलावल भुट्टो के बारे में? जाहिर बात है, उन्होंने तो आज तक किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है, उनको तो घर ही बैठना चाहिए। किसी के लिए भी तो कुछ नहीं किया है ना इन लोगों को, तो सबको घर में बैठना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बात है ना, बस सॉरी। कोई पैगाम दे दें बिलावल भुट्टो को? मैं तो ये कहूँगी कि जब कर नहीं सकते तो फिर अपनी फैमिली को संभालें। क्या इतना बुरा? क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो के बारे में? सही आना चाहिए उनको, बिलावल भुट्टो को आना चाहिए। हम पीपल पार्टी है, बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल ठीक है। और बस, और बस कुछ नहीं। नहीं, कोई पैगाम तो देना बिलावल साहब को। बिलावल साहब को आना चाहिए, अच्छे लोग हैं। अच्छा बिल्कुल सही है जी, ये कहते हैं बिलावल साहब को आना चाहिए और इस्तीफे दे देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए अपोजिशन को। हाँ जी देने चाहिए। बेशरम आदमी, छोड़ दो इन्होंने, कितने नहीं जाते, काम करना ही है ना। बिल्कुल, आप ही खिलार ले, आप ही काम कर ले। वो तो फिर जो कस्टमर जो नहीं थे फिर की करी, आप ही तो लेना, आप ही रो लेना। सर मुझे ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया है, कहते हैं मुतालबा किया है उन्होंने, सारे चोर ने, ये बिलावल के कहने पे इस्तीफे दे देंगे? उन्हें नहीं देना, वो नहीं दे रहे, वो पठान है, नसवार खा के दे बह रहे हैं। सर कैसे हैं आप? बीमार हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ही नहीं। आपका नाम ही नहीं है? बेनामा हूँ। अब तो सर बोल दे। और अपोजिशन के जितने लोग हैं लॉन्ग मार्च से पहले, उनको इस्तीफे दे देने चाहिए। हमें सियासत से ताल्लुक ही नहीं, यानी बीमार आदमी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, सोने भी नहीं चाहिए। सही चल रहा है काम? सामने ही बैठे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मेरे सामने तो बिल्कुल बैठे। सही होता है, तुम तसली ना बांधे, कहते बारो बार जाओ। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को पहले इस्तीफे देने चाहिए, फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, क्या कहते हैं आप बिलावल के बारे में? बिलावल के बारे में क्या कहें, वो कुछ सुर्खी पाउडर लेके आए, वो जो उसका काम है। ठीक है,
तो बहरहाल ये है कि ये मर्दों का काम है जो संभालना, ये सीटें सूटें वो इसके पास के बात नहीं है, बीबी की हम दिल से इज्जत करते हैं। क्या बात है, ठीक है तो लिहाजा बिलावल साहब को क्या पैगाम देंगे कि ये क्यों ऐसे बयान देते हैं? बिलावल साहब को पैगाम मेरा ये है कि कॉस्मेटिक पे ना टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हुए हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें वो, ठीक है। क्या कहते हैं बिलावल के कहने पे ये सारे इस्तीफे दे देंगे, और बिलावल भुट्टो के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल भी कोई भी नहीं देगा इस्तीफा, ना तो उनके कहने से जल्दी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। बिल्कुल सही बात, वो आपको भी पता है क्यों होंगे और हमें भी पता है। उससे यही पैगाम देना है कि अपना काम करे आराम से, जो करना चाहिए उसे। क्या ये जो मजीद जो बातें कर रहा है आजकल, उनका फायदा कोई नहीं है, उन्होंने अपना काम ले लिया हुआ है जी। ठीक है, रंग बिरंगे दुपट्टिया च बैठे मोजा लगिया वेखो ना, चिट्टा इधर दुपट्टा है, तुसी नाल ला के काला कर देना। नहीं नहीं सामला होएगा काला नहीं होना। जो दिल में आता वो कह देते हैं। नहीं तो क्या पैगाम देंगे बिलावल भुट्टो को? पैगाम यही है कि अपने बड़ों की बात माने, जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वैसे माने। ओके यकीन करो तानू डरदिया गल नहीं करनी आ रही मैनु, क्योंकि इंज लग रहा है टिकेट टाइप बंदा बैठा। नहीं डाकू हां, टिकेट नहीं है। सर नाम बताएं पूरा अपना। मियां तारिक कयूम। मियां तारिक कयूम, क्या बात है। केड़े मियां, वो जेड़े आपदा परवीन गया, ओ मियां भाई मियां सही मियां। अपोजिशन को इस्तीफे देने चाहिए लॉन्ग मार्च से पहले पहले। सर वो तो किसी खाते नहीं आता, वो तो बेचारे से तरस खाओ, जो कहता वो तरस खा के ही मान लो, वैसे तो किसी काबिल नहीं है। इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। ठीक है, ना पता लगता बीबी बल के गल्ला करता, तो ना ही पता लगता बंदा। तो वो तो को माफी मांग लो, पहले वड्डा होइए फिर यह काम करे। अगले साल कर दूंगा मैं, ठीक है ना। उस तो छोटे दा लॉकडाउन होएगा। आपकी बिलावल भुट्टो के बारे में क्या राय है? उससे के पहले ये राय है कि पहले अपना सिंध जो है ना वो ठीक करे, जो उस पर तुझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को संभालने के वो काबिल नहीं है। उसके पापा जान ने जो हमें दिया है ना वो भी हमें याद है, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग उसके पापा जान ने दी थी हमें। क्या बात है, ठीक है जी। तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? ऐसी माशाल्लाह इतना लाल बंदा मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में। अब देख लिया। हाँ, देख लिया। पाकिस्तान में रहते हैं जी? नहीं सीरियसली पाकिस्तानी है। अल्लाह वेरी गुड, पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत लोग रहते हैं। माशाल्लाह यकीन जानो दूर से अंग्रेज ही लग रहे थे पूरे यहाँ। सर नाम क्या आपका? अल्ताफ सर। आप अपने पापा पे क्यों नहीं गए? बस मतलब वो इतने लाल सुर्ख और आप बिल्कुल ही मदम। नहीं मदम तो नहीं हूँ, ठीक हूँ यार। नहीं यार बिल्कुल ही जावे हैं यकीन कर। नहीं आपसे तो ठीक हूँ यार। क्या कहते हैं बिलावल के बारे में? मैं बिलावल के बारे में क्या कहना है, ठीक है अगर वो इस्तीफे ले सकता तो ले ले। हाँ वो अगर इस्तीफे ले सकता तो ले ले। बिल्कुल सही गल है। या ताड़े को आके कोई सूट ले ले। या साढ़े को आके कोई सूट ले ले। वेले ही बैठे हैं, चलो सूट दे लेगा। हमारा काम जो है मस्करियां चैनल का काम जो है वो सिर्फ आपके चेहरों पर हंसी लाना होता है, कि किसी तरीके से कोई भी ना कोई बात आपको ऐसी लगे कि जिससे आपके चेहरे पर हंसी आ जाए, आपका चेहरा खिल जाए, आप अपने गमों को भुला दें और आपके आंसू हम चुरा लें। बस ये हमारा काम है, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। मस्करियां चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। पास रहेगा और जनाब जी अल्लाह हाफिज़।